Hello everyone, I welcome you all in today's biology class. In this class, we are going to study types of animal tissues from the lesson Introduction to Biotechnology. In the previous classes, we have discussed the types of or a classification of animal tissues. So, there are four main types of animal tissues. फर्स्ट वन इज इपीथेलियल देन मस्क्यूलर कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू सो इनकी जो मीनिंग्स हैं वो भी हमने लास्ट क्लास में स्टडी किए हैं सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी द सब टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यूज़ मस्क्यूलर टिश्यूज़ एंड कनेक्टिव टिश्यूज़ और जो पार्ट है नर्वस टिश्यू का वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे सो so, आज के क्लास में हम थ्री मेन टाइप्स देखने वाले इपिथेलियल मस्क्युलर एंड कनेक्टिव टिश्यू सो जो फर्स्ट टाइप है एनिमल टिशूज़ का वो है इपीथेलियल टिशूस तो इपीथेलियल टिशूज़ में जो टाइप्स है सब टाइप्स है वो है स्क्वामस अपीथेलीम देन स्ट्रेटिफाइड अपीथेलीम ग्लैंडुलर इपीथेलीम देन कोल्यूमनार ऐपीथेलीम सिलेटेड इपिथेलीम एंड क्यूबॉइडल इपीथेलीम सो ये जो टाइप्स है तो इनके डाइग्राम्स भी यहाँ पर दिए हैं और इनकी लोकेशन स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो आज हम स्टडी करने वाले हैं सो स्क्वामस इपिथेलियम जो है इन जनरल अगर हम टाइप्स पढ़ने से पहले अगर हम देखते हैं तो जो इपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं तो इनका फंक्शन क्या होता है तो मोस्टली ये जो इपिथेलियल टिश्यूज़ है तो इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन जो कि कवरिंग्स फॉर्म करते हैं तो ये सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है सिंपल टिश्यूज़ है जो कि एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं सो इपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं ये इनका फंक्शन अगर हम देखते हैं तो इपिथेलियल टिश्यूज़ कवर द बॉडी सरफेस एज एन आउटर लेयर ऑफ स्किन और जो ये आउटर लेयर ऑफ़ स्किन का जो फॉर्मेशन करते हैं जिसमें इपिथेलियल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं तो जिस इसकी वजह से क्या होता है तो ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी ड्राइंग अप एंड एंट्री ऑफ जर्म्स एंड हार्मफुल केमिकल्स तो ये प्रोटेक्शन का जो फंक्शन है ये ये परफॉर्म किया जाता है बाय इपिथेलियल टिश्यूज सो इपिथेलियल टिश्यूज फॉर्म्स द इनर लाइनिंग्स ऑफ माउथ एलिमेंट्री कैनल एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी एंड आल्सो इट प्रोटेक्ट दिज ऑर्गन्स और कुछ ऐसे एपिथेलियल लाइनिंग जो प्रेजेंट होते हैं जैसे कि इंटेस्टाइन है तो इसमें इनका जो रोल होता है वो एब्सॉब्शन ऑफ वाटर एंड डाइजेस्टेड फूड भी है तो ये कुछ हमने इन जनरल एपिथेलियल टिश्यूज़ के जो फंक्शंस है ये अभी मैंने बताए हैं तो वन बाय वन हम इसके जो टाइप्स है और इनका जो स्ट्रक्चर एंड लोकेशन है इसके बारे में हम अभी स्टडी करते हैं सो स्क्वामस एपिथेलियम जो है इसका जो लोकेशन है तो वो है इट इज़ प्रजेंट इन इनर सर्फेस ऑफ माउथ ईसोफेगस ब्लड वेसल्स एंड जो स्ट्रक्चर है जो कि लंग्स में प्रेजेंट होते हैं एल्वियल की स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है लंग्स में तो वहाँ पे ये स्क्वामसिपिथिलियम ये टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होते हैं सो तो ये जो पार्ट है तो अगर हम इसोफैगस देखते हैं या फिर ब्लड वेसल्स है ये एल्वियोल का जो स्ट्रक्चर है तो ये सारे स्ट्रक्चर्स कैसे हैं बहुत ही ये स्ट्रक्चर जो है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है और बहुत ही सॉफ्ट है तो ये जो स्क्वामस इपिथेलियम का जो लोकेशन है वो इन ऑर्गन्स में हमें देखने के लिए मिलता है इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखते तो ये जो टिश्यू है वो थिन, स्मॉल और फ्लैट सेल से फॉर्म होता है और इनके जो मेम्ब्रेन्स है जैकि जो कि सेल मेम्बरेंस होते तो वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो कैसे सेमी परमिएबल है यानी कि यहाँ पे क्या होता है सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स की एंट्री एंड एग्जिट होती है सो so, इसका फंक्शन जो है वो है सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस तो ये हमने स्टडी किया स्क्वामस इपिथेलियम, जो कि फर्स्ट टाइप है सब टाइप है इपिथेलियल टिश्यूज़ का तो इसके जो सेल्स है या फिर ये जो टिश्यू फॉर्म होता है इसको हम सिंपल टिश्यू कहते हैं तो ये जो टिश्यू फॉर्म होता है वो सेम टाइप ऑफ सेल से फॉर्म होता है इपिथेलियल सेल से तो ये प्रेजेंट होता है जैसे कि सोफैगल से ब्लड वेसल्स है एंड एल्बोलाई का स्ट्रक्चर है उसमें सो so जो नेक्स्ट टिश्यू है वो है स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम इसका लोकेशन जो है वो आउटर लेयर ऑफ स्किन है और इसमें मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे स्क्वामस इपिथेलियम जो है वो थीन है और फ्लैट सेल्स है बट यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है वो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ है एक के ऊपर एक ऐसे लेयर्स यहाँ पे फॉर्म हो गए तो मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है और इसका जो फंक्शन है वो है प्रिवेंशन ऑफ वेयरिंग ऑफ ऑर्गन्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स तो जो डिजनरेशन की प्रोसेस होती है जो भी टिश्यूज़ है सेल्स है वन आउट होते हैं तो या फिर उनको जो डैमेज होता है तो उससे प्रोटेक्ट करने का जो फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करता है स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम परफॉर्म करता है और इसका लोकेशन जो है वो है आउटर लेयर ऑफ स्किन सो ये सेकेंड टाइप है जो कि स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम है तो इसमें ये हमने स्टडी किया सेकेंड टाइप अब हम देखते कि जो थर्ड टाइप है ग्लैंडुलर इपिथेलीम तो ग्लैंडुलर इपिथेलीम है जहाँ पे हमने ग्लैंड्स ये वर्ड अगर हम पता है या ये जो वर्ड्स होता है जहाँ जहाँ पे ग्लैंड्स आते हैं तो वहाँ पे इनका जो रोल होता है वो क्या होता है सिक्रीशन होता है तो स्पेसिफिक कुछ हार्मोन केमिकल्स को ये क्या करते हैं सिक्रीट करते हैं तो वैसे जो ग्लैंडुलर इपिथेलीम है ये जो टिश्यू है वो प्रेजेंट होता है इनर लेयर ऑफ स्किन कहाँ पर प्रेजेंट होता है इनर लेयर ऑफ स्किन अब इसके जो सेल्स होते हैं तो इन सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है तो सिक्रेटरी मटेरियल इन सेल्स में प्रेजेंट होता है इनका फंक्शन है सिक्रेशन ऑफ स्वेट एंड ऑयल एंड म्यूकस स्वेट ग्लैंड जो है तो ये स्वेट ग्लैंड सिक्रीशन करते हैं स्वेट का जो सेबैशियस ग्लैंड होते हैं तो वो क्या करते हैं ऑयल को सिक्रीट करते हैं तो जो लेयर होता है स्किन का तो ये क्या करते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इनर लेयर में स्किन के और इनका जो रोल है वो है सिक्रेशन ऑफ स्वेट से जो सेबेसियस ग्लैंड का सिक्रेशन है वो है ऑयल का सिक्रेशन तो ये विद द हेल्प ऑफ इपिथेलियल टिश्यूज़ होता है जो टिश्यू ग्लैंडुलर है जो नेक्स्ट टाइप है वो है कोल्यूमनार कुल्यूमिनार मीन्स जहाँ पे पिलर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है ये इपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ टॉल और पिलर लाइक सेल्स सो so, इसमें जो न्यूक्लिया होता है वो इलोंगेटेड होता है अब इसका ऑकरेंस अगर हम देखते हैं तो कॉलमिनार एपिथेलियम लाइंस द स्टमक इंटेस्टाइन एंड गॉल ब्लैडर इसके एलिमेंट्री कैनल जो है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं जो इंटेस्टाइन है जिसको या फिर एनिमेंट्री कैनल तो एलिमेंट्री कैनल में मोस्टली क्या आते हैं सारे ऑर्गन जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के तो ये सारे ऑर्गन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं तो एपिथेलियम जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा स्टमक इंटेस्टाइन एंड गॉल ब्लड सो अल्सो इट लाइन्स द मैमरी ग्लैंड्स डक्ट जो होते हैं मैमरी ग्लैंड्स के या फिर जो यूरेथ्रा के पार्ट्स होते हैं जो कि फीमेल या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने जो स्टडी किया या फिर उसमें जो यूरेथरा प्रेजेंट होता है तो इसमें क्या होता ये, है ये जो इपिथेलियम है ये टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं तो इनका जो फंक्शन है वो है सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस एंड एब्सॉप्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सो ये फंक्शन है कलमिनार इपीथेलियम का नेक्स्ट वन जो है वो है सिलेटेड इपिथेलीम सिलेटेड इफिथेलियम में क्या प्रेजेंट होता है तो इसमें प्रेजेंट होते हैं सिलिया इसमें क्या प्रेजेंट होता है सिलेटेड इफिथेलियम यानी कि इसका जो मीनिंग है तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है सिलिया सिलिया यानी कि ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं सिलिया कहते हैं तो ये इनर सर्फेसेस ऑफ रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि जो स्टार्टिंग uh, ऑर्गन हम कह सकते हैं जो कि नज़ल कैविटीज़ है तो इसमें जो भी ये इपिथिलियम जो प्रेजेंट होते हैं जिसके ऊपर माइन्यूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर हम उसको कहते हैं तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कि सिलिया है वो प्रेजेंट होते हैं तो ये जो पार्ट है ये है टिश्यू का ये जो टाइप है वो प्रेजेंट होता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तो इसका जो फंक्शन है इसका फंक्शन ये है इट पुशेज द म्यूकस एंड एयर फॉरवर्ड एंड कीप द एयर पैसेज फ्री ये सिलेटेड इपिथेलियम का फंक्शन है जो पैसेज होता है तो यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं तो नेक्स्ट वन जो है टाइप वो है क्यूबॉयडल इपिथेलियम तो क्यूबॉयडल इपिथेलियम जो है वो प्रेजेंट होता है इन द ट्यूबल्स ऑफ किडनी यानी कि जो किडनीज़ में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वहाँ पे ये क्यूबॉयडल इपिथेलीम टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं एंड सलाइवरी ग्लैंड इसके जो सेल्स होते हैं वो क्यूबॉइडल शेप के सेल्स होते हैं और जो फंक्शन है वो है रीएप्सॉप्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल्स फ्रॉम यूरिन एंड सिक्रीशन ऑफ सलाइवा जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स है तो यहाँ पे अगर ये टिश्यूज़ प्रेजेंट है तो इसका फंक्शन क्या होगा सिक्रीशन ऑफ सलाइवा और जो ट्यूबल्स है या किडनी का स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर रीएपसऑप्शन किया जाता है मटेरियल्स का फ्रॉम द यूरिन सो ये हमने स्टडी किया है आज के क्लास में इपिथेलियल टिश्यूज जिसमें हमने स्क्वस अपीथेलीम स्टैटिफाइड अपीथेलियम ग्लैंडुलर इपिथेलीम देन कोल्युमनारीथेलीम एंड सिलेटेड अपीथेलीम और लास्ट वन जो है वो है क्यूबॉडल इपिथेलीम इनके स्ट्रक्चर लोकेशन और फंक्शन को स्टडी किया है तो ये जो टाइप्स थे वो इपिथेलियल टिश्यूज़ के टाइप्स हैं और जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कनेक्टिव टिश्यू का तो कनेक्टिव टिश्यू किसको कहते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू tissue, ऐसे टिश्यूज़ हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स है बॉडी के उसको क्या करता है ज्वाइन करता है या कनेक्ट करता है तो इसमें जो सेल्स होते हैं सेल्स इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू आर लूजली अरेंज्ड विद अ ग्राउंड सब्सटेंस इन द फ्री स्पेस इन बिटवीन जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन टिश्यूज़ में क्योंकि टिश्यू जो है इसमें क्या होगा ग्रुप ऑफ सेल्स होगा तो ये जो टिश्यूज फॉर्म होते हैं तो इसमें क्या होता है मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है और इसमें सारे जो सेल्स है वो क्या होते हैं लूजली अरेंज होते हैं सो द ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है जिसमें ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो वो ग्राउंड सब्सटेंस हो सकता है सॉलिड या फिर लिक्विड लाइक वाटर और जेली लाइक -like. जैसे कि हमने सेल का साइटोप्लाज्म कहा है या फिर जो न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियोप्लाज्म उसमें प्रेजेंट होता है तो वैसे ये जो टिश्यूज़ है इसमें ये ग्राउंड मटेरियल प्रेजेंट है जो कि हो सकता है सॉलिड लिक्विड या फिर जेली लाइक सो so, जिसमें ये सेल जो है वो क्या हो जाते हैं अरेंज हो जाते हैं तो इसके भी टाइप्स है तो उसमें से इस स्लाइड पे हम स्टडी करने वाले ऐसे ब्लड लिम्फ एरगुलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू सो so, स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है उसका जो डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया है तो इसमें जो सेल्स है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है और ये क्या हो गया सस्पेंड हो गए या ये अरेंज हो गए एक मैट्रिक्स में सो फर्स्ट वन अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट वन टिश्यू जो है कनेक्टिव टिश्यू वो है ब्लड इसका जो लोकेशन है तो ये लोकेशन इसका है इन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम तो ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है तो ह्यूमन के बॉडी में एनिमल्स में क्या होता है जो वेसल्स प्रेजेंट होते हैं तो ब्लड वेसल्स में ये जो ब्लड है वो फ्लो होता है इसकी वजह से हमारे बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम में ये ब्लड जो है वो प्रेजेंट होता है अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है जैसे कि रेथ्रोसाइड्स ल्यूकोसाइड्स एंड प्लेटलेट्स इन लिक्विड प्लाज्मा तो ब्लड में जो कंटेंट आता है तो ब्लड का जो स्ट्रक्चर है तो उसमें वराइटी ऑफ सेल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं जैसे कि जो लिक्विड प्लाज्मा होता है उसमें प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं इरेथ्रोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं एंड ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं इसका फंक्शन जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल जैसे कि हमने जो स्टडी किया तो रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर हम देखते तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से लंग से क्या किया जाता है लंग से ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स किया जाता है और वो ब्लड जो है वो क्या करता है उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के ईच एंड एवरी सेल्स के पास वैसे इट अल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रियट्स इट एब्सॉर्व द न्यूट्रिय्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम और ये जो न्यूट्रियट्स है उसको एबसॉर्व करके ये भी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं हार्मोन् डिफरेंट हारमोन्स जैसे कि इन अवर बॉडी देर आर सो मेनी इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर प्रजेंट एंड इंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रिट देयर सिक्रिशंस इन ब्लड स्ट्रीम

प्ले करता है तो इसके वजह से ब्लड जो है वो क्या है कनेक्टिव टिश्यू है नेक्स्ट वन जो है वो है लिम्फ तो लिम्फ जो है ये प्रेजेंट होता है ऑल अराउंड द सेल्स इन द बॉडी लिम्फ प्रेजेंट ऑल अराउंड द सेल्स इन द बॉडी ईच एंड एवरी सेल जो है हमारे बॉडी की तो इसके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है लिम्फ प्रेजेंट है तो लिम्फ है क्या तो लिम्फ जो होता है तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो हम स्टडी करते हैं तो उसमें हमने जो ब्लड वेसल स्टडी किए आर्टरीज है या फिर वेंस है तो इसमें क्या होता है जब ब्लड फ्लो होता है तो कुछ ब्लड जो है कैपेलरीज से क्या होता है वो वहाँ से जो उसका मेम्ब्रेन होता है उन कैपिलरीज का तो वो मेम्ब्रेन से कुछ अमाउंट में ये जो प्लाज्मा है या प्रोटीन्स है तो वो क्या हो जाते हैं वो वहाँ से सेल्स से या उस वैसेल से वो क्या हो जाते हैं सेपरेट हो जाते हैं और ये जो सेल्स के बीच में जहाँ जहाँ पे स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे ये क्या हो जाते हैं स्टोर हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं लिम्फ तो लिम्फ इज़ अ नथिंग बट द फ्लूड ओस्ड आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज और इट कंटेंस ल्यूकोसाइड्स एंड लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस जैसे कि प्लाज्मा होता है ब्लड में प्रेजेंट बिल्कुल वैसा ही ये लिम्फ भी होता है बट ये कलरलेस है और इसमें स्मॉल अमाउंट में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और इसका फंक्शन जो है वो है प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है जो भी जिसको हम एंटीजन कह सकते हैं या फिर जो जर्म्स है तो उनके इन्फेक्शन से क्या होता है हमें ये प्रोटेक्ट करता है लिम्फ और ये प्रेजेंट होता है इन द सराउंडिंग ऑफ ऑल सेल्स ये सेकेंड टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का जो नेक्स्ट वन है वो है एरगुलर टिश्यू सो so, इसका जो लोकेशन है बिटवीन द स्किन एंड मसल्स एंड अराउंड द ब्लड वेसल्स ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द स्किन एंड मसल्स सो इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स लूजली अरेंज एंड सपोर्टेड बाय अ जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस एंड इलास्टिक फाइबर्स तो ये जो स्ट्रक्चर है तो इसमें वराइटी ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लूजली अरेंज है और इनको सपोर्ट किया है एक जेली लाइक सब्सटेंस ने और इलास्टिक फाइबर्स ने और इसका जो फंक्शन है वो है सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स जो भी हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स है इसको सपोर्ट करने का जो रोल है वो प्ले करता है एरबोलर टिश्यू नेक्स्ट वन जो है वो है एडिपोज टिश्यू सो एडिपोज टिश्यूज आर प्रेजेंट बिलो द स्किन एंड अराउंड इंटरनल ऑर्गन्स इसका जो लोकेशन है वो कहाँ पे है बिलो द स्किन एंड अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स और इसके जो स्ट्रक्चर है तो इसमें सेल्स जो है वो फील किए जाते हैं फैट ड्रॉपलेट्स एंड जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस ये अगर हम एडिपोज टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर देखते हैं तो एडिपोज टिश्यू का मेन रोल वही होता है कि एडिपोज टिश्यू में फैट को स्टोर किया जाता है जैसे कि बेली फैट होता है तो वहाँ पर एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं तो उसमें फ़ैट को क्या किया जाता है स्टोर किया जाता है इनका फंक्शन है इंसुलेशन सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स सो so, ये यहाँ पे हमने इस स्ट्रक्चर में इस स्लाइड पे हमने फोर जो टाइप्स है वो स्टडी किए हैं कनेक्टिव टिश्यू के और थ्री टाइप्स है कनेक्टिव टिश्यू के जिसमें हम सीखने वाले हैं कार्टिलेज बोन्स एंड टेंडोन्स एंड लिगामेंट्स। सो कार्टिलेज जो है कार्टिलेज यानी कि फ्लेक्जिबल होता है बोन का ही स्ट्रक्चर है बट फ्लेक्जिबल है जैसे कि नोज अगर हम टच करते हैं अपने नोज़ के टिप को तो हमें समझ में आएगा या फिर ईयर्स जो है तो वो क्या हो जाता है फोल्ड हो जाते हैं तो ये जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है उसका जो लोकेशन है वो है नोज ईयर लारिंग्स एंड ट्रकिया लारिंग्स एंड ट्रकिया जो है वो थ्रोट के रीजन में जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें ये प्रेजेंट होता है लारिंग्स यानी कि वॉइस बॉक्स और लारिंग्स के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो है ट्रकिया का पार्ट तो इसमें ये कार्टिलेज प्रेजेंट होता है इसमें जो भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो सेल्स सपोर्टेड ये जो सेल्स हैं उनको सपोर्ट दिया जाता है बाय फाइबरस एंड फ्लेक्सिबल जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस से इसका जो रोल है वो है लुब्रिकेट्स द सर्फेस ऑफ बोन्स एंड गिव सपोर्ट एंड शेप टू ऑर्गन्स इस कार्टिलेज की वजह से क्या होता है एक स्पेसिफिक शेप और उस ऑर्गन को क्या मिलता है सपोर्ट मिलता है और लुब्रिकेशन में जैसे अगर हम देखते हैं तो ऑयल जो है वो लुब्रिकेंट है जैसे कि कुछ अगर ऐसे थिंग्स है जो कि इससे बने हैं आयन से बनाए बनाए गए हैं तो उसमें क्या किया जाता है ये लुब्रिकेंट ऐड किए जाते हैं जहाँ पे जो प्रोसेस होती है जहाँ पे स्मूथ मूवमेंट होनी चाहिए तो वहाँ पे ये लुब्रिकेंट ऐड किए जाते हैं जैसे कि बुलग काट है उसके जो व्हील्स होते हैं तो उसमें क्या किया जाता है ऑइल जब ऐड किया जाता है एज़ अ लुब्रिकेंट सो so, ये जो कार्टिलेज है वो लुब्रिकेट्स करता है उस सर्फेसेस को बोन्स के नेक्स्ट so, पार्ट जो है वो है बोन्स तो जो स्केलेटन है या जो स्ट्रक्चर है थ्रू आउट हमारे बॉडी में वो स्केलेटन है तो ये बोन जो है ये क्या करते हैं ये फॉर्म करते हैं हमारे बॉडी का स्केलेटन तो इसमें जो सेल्स होते हैं हो, उसको हम कहते हैं ओस्टिइ्स और ये जो सेल्स है वो इम्बर्डेड हैं इन सॉलिड ग्राउंड सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्पेट जो सब्सटेंस है कैल्शियम फॉस्पेट का उसमें क्या हुए ये जो सेल्स है ओस्टिशाइड्स के जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं और इनका जो रोल है वो हैज इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स डिफरेंट ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन मूवमेंट तो जो हम मूवमेंट करते हैं हैंड हो या फिर लेग्स हो तो इसमें जो मूवमेंट होती है वो बिकॉज ऑफ बोन्स है ये कनेक्टिव टिश्यू है एंड लास्ट वन जो है वो है टिंडॉन्स एंड लिगामेंट्स तो इसमें डिफरेंस है ये ध्यान में रखना है हमें ये टेंडोंस एंड लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं एट द जॉइंट्स जहाँ जहाँ पे हमारे बॉडी में जॉइंट्स प्रेजेंट है तो वहाँ पे ये टेंडोंस और लिगामेंट्स प्रेजेंट होंगे बट इसमें जो टेंडन्स है वो फाइब्रस होते हैं इस्ट्रांग होते हैं और लेस इलास्टिक होते हैं यहाँ पे डिफरेंस है बिटवीन टेंडॉन्स एंड लिगामेंट्स तो जो टेंडॉन्स है वो फाइब्रस है स्ट्रॉग एंड लेस इलास्टिक है बट जो लिगामेंट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एंड हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं मेन डिफरेंस टेंडॉन्स और लिगामेंट्स में क्या है तो टेंडॉन जो है वो लेस इलास्टिक है फाइबरस होते हैं और स्ट्रोंग है बट लिगामेंट जो है वो स्ट्रांग है बट हाईली फ्लेक्सिबल भी हैं तो टेंडॉन क्या करते हैं तो टेंडॉन जो है वो जॉइंट करते हैं मसल्स टू बोन्स टेंडॉन्स जॉइंट्स मसल्स टू बोन्स एंड लिगामेंट ज्वाइंट टू बोन्स टू ईच अदर यहाँ पे ध्यान में रखी ये जो डिफरेंस है तो जो टेंडॉन्स है इनका रोल ये है जो मसल्स है मसल्स को बोन्स के साथ ज्वाइंट करने का काम करते हैं टेंडॉन्स बट जो लिगामेंट्स है ये टू बोन्स जो है इनको जॉइंट करने का काम कौन करता है लिगामेंट्स करते हैं तो ये हमने स्टडी किए हैं कनेक्टिव टिश्यू अब जो थर्ड वन पार्ट है वो है मस्कुलर टिश्यूज़ का तो मस्कुलर टिश्यूज जो है वो स्पेशल टाइप का इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस है वो इसकी वजह से पॉसिबल हो सकती है तो ये जो मूवमेंट्स होते हैं मस्कुलर मूवमेंट्स वो बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स इन जो कि प्रेजेंट होता है इन सेल्स में तो इन सेल्स से जो टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है तो उसमें अगर हम देखते हैं तो टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू में हमें थ्री टाइप्स देखने हैं जिसमें स्ट्राइटेड मसल्स नॉन स्ट्राइट मसल्स एंड कार्डियक मसल्स सो कार्डियक मसल जो है वो कार्डिया जो वर्ड है तो वो रिलेटेड है हार्ट से तो ये जो मसल्स प्रेजेंट होंगे वो सिर्फ जो हमारे बॉडी में जो हार्ट का स्ट्रक्चर है तो उस पर प्रेजेंट होंगे बट स्ट्राइटेड एंड नॉन स्ट्राइटेड मसल जो है इसके बारे में पहले देखते हैं तो जो स्ट्राइटेड मसल्स प्रेजेंट होते हैं तो इसमें स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं स्ट्राइशंस यानी कि बैंड्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि ये जो मसल्स है इसके जो सेल्स होते हैं वो लॉन्ग है इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये लॉन्ग सेल्स है से सिलेंड्रिकल है और मल्टी न्यूक्लियट है मल्टी न्यूक्लियट यानी कि जो सेल्स हैं इसमें मोर देन वन न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है एंड हैव नो ब्रांचेस तो ये हो गई स्ट्रक्चर की बात इसका जो भी आ, अपेरेंस है तो वो कैसा है ये तो सिलेंड्रिकल है ये मल्टी न्यूक्लेटेड है और इसमें ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं है जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो उसमें अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट ऑन दिस मसल्स एट दे आर अटैच टू बोन्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स ये जो स्टार्टेड मसल्स हैं इनको और एक नाम है स्केलेटल मसल्स स्टार्टड मसल्स को और एक नाम है स्केलेटल मसल्स और ये जो है ये मूवमेंट करते हैं एज पर आवर विल हैंस दे आर कॉल्ड एज वलुन्टरी मसल्स जो मसल्स हमारे विल पे फंक्शन करते हैं तो उनको हम वॉल्टरी कहते हैं तो ये प्रेजेंट कहाँ पे होंगे तो इसमें जो हमारे बॉडी में जो लेग्स है या फिर जो मूवमेंट्स हम करते हैं आर्म्स की तो यहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं वो स्टार्टेड मसल्स हैं क्योंकि ये जो है ये जो मोमेंट्स होते हैं वो हमारे विल पे होते हैं तो दिस मसल्स ब्रिंग अबाउट मोमेंट्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स रनिंग है स्पीकिंग है ये जो प्रोसेस होते हैं वो पॉसिबल है बिकॉज ऑफ स्टार्टड मसल्स सो नेक्स्ट वन जो है वो नॉन स्ट्राइटेड मसल है जो कि इसके थोड़ा सा अपोजिट होगा जैसे कि इसमें जो स्ट्राइटेड uh, मसल्स है इसमें जो सेल्स प्रेजेंट है वो लॉन्ग है तो नॉन स्ट्राइटेड मसल्स में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो शॉर्ट सेल्स हैं इसमें अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये सिलेंड्रिकल है इसमें अगर आप देखेंगे तो स्पिंडल शेप का है ये मल्टी न्यूक्टेड है तो ये जो है वो यूनी न्यूक्टेड है यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसमें ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं है तो ये कैसे हैं यूनी न्यूक्लेटेड हैव इसमें भी ब्रांचेस uh, प्रेजेंट नहीं है तो ये अब इसमें सिमिलरिटी है कि इसमें दोनों में ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं है बट uh, यहाँ पे स्टार्टेड मसल जो है वो मल्टी न्यूक्लेटेड है यहाँ पे यूनि न्यूक्टेड ये लॉन्ग है तो ये शॉर्ट है तो कंपैरेटिव स्टडी करके हम इसको ध्यान में रख सकते हैं तो जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट है तो इसमें नॉन स्ट्राइटेड मसल्स में डार्क एंड लाइट बैंड जो है वो अपसेंट है ये बोन से अटैच नहीं है तो स्टार्टड मसल्स क्या है बोन से अटैचड है सो देयर मूवमेंट्स आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर विल हैंस दे आर कॉल्ड एज़ इन्ेंटरी मसल्स इसमें जो भी मसल्स हैं तो इनका जो भी फंक्शन है या जो रोल वो प्ले करते तो वो हमारे विल पे नहीं होता है इसकी वजह से इनको क्या कहते हैं इनवोलटरी मसल्स कहते हैं और ये प्रेजेंट कहाँ पे हो गए तो ये प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्री कैनल एंड ब्लड मसल्स में इसका जो फंक्शन है वो है मोमेंट्स ऑफ आई पासिज ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्जेशन ऑफ ब्लड तो जैसे हार्ट पंप करता है वैसे ये जो ब्लड वेसल्स है इनका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है तो ये जो प्रोसेस है या फिर जो फूड पास होता है फ्रॉम एलिमेंट्री कैनल तो या फिर जो हमारे आईलिड्स की मूवमेंट होती है तो ये सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है नॉन स्टार्टेड मसल्स परफॉर्म करते हैं और जो थर्ड पार्ट है या थर्ड जो टाइप है मस्कुलर टिश्यू का तो वो बिल्कुल डिफरेंट पार्ट है कार्डियक मसल्स तो इसमें ये मसल सेल्स आर जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल है बट यूनि न्यूक्लेटेड है एंड ब्रांचड है दोनों जो मसल्स के हमने पहले टाइप स्टडी किए तो उसमें ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं है बट कार्डियक मसल्स में ये जो मसल्स है वो ब्रांच्ड है ब्रांच्ड यानी कि यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको समझ में आएगा इसमें ब्रांचेस का फॉर्मेशन हुआ है ये यूनि न्यूक्लिएटेड है और इसके जो सेल्स है वो सिलेंड्रिकल है डार्क एंड लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट एंड द हार्ट इज मेडअप ऑफ दिस मसल्स और इसकी जो मूमेंट होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है या फिर हमारे विल पे नहीं होती है इसकी वजह से ये भी एक इन्वोलेंटरी मोमेंट्स का ही टाइप आता है और इसका जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्जेशन होता है वो रिदमिकली होता है और इसका फंक्शन वही है सेम कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्जेशन ऑफ हार्ट सो ये हमने स्टडी किया है मस्क्यूलर टिश्यूज़ सो so, आज के क्लास में हमने टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यूज टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज एंड टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज ये थ्री टाइप्स हमने स्टडी किए हैं आज के क्लास में सो नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं नर्वस टिश्यू जिसमें हमें ओनली वन टाइप ऑफ सेल स्टडी करनी है वो है नर्व सेल सो आज के लिए होमवर्क राइट डाउन द टाइप्स ऑफ इपिथेलील टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू विद देअर स्ट्रक्चर देयर लोकेशन डायग्राम एंड फंक्शन सो टू टाइप्स जो है मेन टू टाइप्स वो एक्सप्लेन करने हैं और जो मस्कुलर टिश्यू है वो नेक्स्ट डे पे जो होमवर्क मिलेगा यानी कि जो नर्वस टिशू है उसको स्टडी करने के बाद मस्कुलर टिशू एंड नर्वस सिस्टम जो नर्वस टिश्यू है उसका जो होमवर्क है वो आपको वहाँ पर करना है